हाय, वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। इसमें आपको करना है कंस्ट्रक्ट एक काइट, एक पतंग ए बी सी डी, जिसमें दिया हुआ है ए बी इजक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी सी इजक्वल 4.9 सेंटीमीटर एंड ए सी इजक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको पता ही है, एक रफ डायग्राम स्केच करेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पर स्केच कर लिया है और मैंने लेवल भी कर लिया है, लेकिन यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि ये काइट है, ये पतंग है, ठीक है। तो पतंग में होता क्या है कि ये जो ए बी की जो लेंथ है ना, वही लेंथ आपका ए डी में भी होता है, मीन्स ए बी इजक्वल टू ए डी होता है। एक काइट का जो प्रॉपर्टी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ए बी जो है वो इक्वल होगा ए डी के, यहाँ पर इसमें, ठीक है, और बी सी जो है इक्वल होगा सी डी के, बी सी होगा इक्वल सी डी के। तो कहने का मतलब है कि यदि ये दोनों बराबर हैं तो आप यहाँ पे 4 है तो ये भी 4 ले सकते हैं, और ये 4.9 है तो ये भी 4.9 होना चाहिए, तभी ये काइट कहा जाएगा, ठीक है। तो आपको ये 4 साइड्स मिल गया है और एक डायगोनल मिल गया है, सो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस डायगोनल। तो हम पहले ए सी ड्रा करेंगे वर्टिकल, उसके बाद ओके 7.2 सेंटीमीटर का एसी हम डायगोनल पहले खींच लेंगे। सो हमने ड्रा कर लिया 7.2 सेंटीमीटर का एसी डायगोनल। यहां पर लेवल कर देते हैं, ये आपका हो गया ए और ये आपका है सी। अब आपको क्या करना है कि ए को सेंटर मान करके और आर्क लेंथ लेना है 4 सेंटीमीटर और एक आर खींचना है इधर। आफ्टर दैट सी को सेंटर मान करके 4.9 सेंटीमीटर के रेडियस लेकर के एक आर्क फिर से इधर खींचना है, और दोनों जो कट करेंगे आर्क जो इंटरसेक्ट करेंगे वो बी पॉइंट पे करेंगे। सिमिलरली राइट साइड में एसी के राइट साइड में भी वही काम करेंगे, 4.9 सेंटीमीटर का रेडियस इधर से लेंगे और इधर से लेंगे रेडियस 4 सेंटीमीटर का, आपको डी पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो लेट्स डू इट। ओके, तो हमने दोनों तरफ जो है आर्क खींच लिया और दो पॉइंट हमें मिल चुके हैं। इन दोनों पॉइंट को बी और डी हम लेबल कर सकते हैं, ये हमारा है बी और ये हो गया डी। अब ज्वाइन कर लेंगे ए बी एंड सी बी, आल्सो सी डी एंड डी ए। तो हमारी पतंग जो है बन चुकी है ए बी सी डी, इसको हम थोड़ा लेवल कर देते हैं। तो ए बी का जो लेंथ है वो आपका 4 सेंटीमीटर है। ओके, तो हमने यहाँ पर लेवल भी कर लिया है और आपकी पतंग जैसा दिख भी रहा है हमें। ओके, और यदि यहाँ पर हम पूंछ बना देंगे उसकी तो बिल्कुल ये लगेगा कि पतंग ही है। ओके, सो यदि आपको अच्छा लगा ये सॉल्यूशन तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और अपने दोस्तों को बता सकते हैं। ओके, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। ओके, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच अगेन, बाय।